बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का दिन और चंद घंटे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए और उनकी कानूनी टीम के लिए बहुत अहम है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये क्विक अपडेट व्लॉग है, डिटेल व्लॉग बाद में आ जाएगा, लेकिन अभी रिसेंट बैक टू बैक हैपनिंग्स हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में। तीनों जगहों पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना केस है वो डिस्कस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट से। अभी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल की समाअत का हुक्मनामा जारी हो चुका है और साथ ही इसी के पैरेलल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो रही है और ट्रायल कोर्ट में कुछ देर में होने जा रही है। हुमायूं दिलावर साहब ने आज की डेडलाइन दिया है कि आज अगर दलाइल ना दिए तो मैं फैसला कर लूँगा, तो कुछ देर में वहाँ पर भी हो जाएगी। उसकी अपडेट भी आपसे मैं डिटेल व्लॉग में बाद में शेयर कर लूँगा, लेकिन इस वक्त बात करने का मकसद यह है कि रात गए इमरान खान की कानूनी टीम से तवील मुशावरत के बाद इन तीनों जगहों पर कानूनी टीमें डिप्लॉय की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद हैं, हाई कोर्ट में भी मौजूद हैं, ट्रायल कोर्ट में भी मौजूद होंगी। लेकिन जो रात गए डिस्कशन के बाद ताज़ा फैसला इमरान खान साहब ने किया था वो ये कि गुज़िश्ता रोज़ हुमायूं दिलावर ने जो एक हुक्मनामा जारी कर दिया एक सफ़े का कि जनाब गवाहों को पेश करने के उस हक से जो महरूम कर दिया इमरान खान को, जो उनका कानूनी हक था, चंद मिनट्स पहले या तकरीबन एक घंटा पहले तक वो गवाहों को बुलाने के लिए डेडलाइन दे रहे थे और फिर बाद में अचानक उन्होंने कहा कि ये गवाह तो रेलिवेंट ही नहीं है, इसलिए इनको बुलाने की इजाज़त नहीं दे रहा। तो आज जज साहब के उस ऑर्डर को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और आज ही समाअत का एक तरह से मुतालबा किया जा रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इमरान खान के वकला ख्वाजा हारिस और उनकी टीमें चीफ जस्टिस के सामने मौजूद हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त समाअत कर रहे हैं। इस केस की अभी फिक्स नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान को सुनकर ये फैसला करे कि क्या ट्रायल रुकना चाहिए या नहीं और क्या ये जज मुतासिब हैं हुमायूं दिलावर या नहीं, इस हवाले से जो एफआईए की रिपोर्ट थी वो भी आ गई गुज़िश्ता रोज़ और जो भी अपीलें थी उनको इकट्ठा करके सुनने का हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज इस वक्त उनकी समाअत शुरू हो चुकी है। तो क्विक अपडेट व्लॉग में मैं जल्दी से आपको बताऊंगा कि क्या डिस्कशन हो रही है और क्या इस वक्त कहा जा रहा है। जाहिर बात है एक एक मिनट के बाद अपडेट चेंज हो रही है, तो मैं डिटेल व्लॉग बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस काबिले समाअत करार देने के खिलाफ अपील की समाअत हो रही है। इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई के केस की दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी समाअत हो रही है। इसके साथ साथ तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की जो दरख्वास्त है वो भी इस वक्त ज़ेरे समाअत है और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक इन दरख्वास्तों की समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर पर कुछ एतराज़ात उठा रखे हैं, ख़ासतौर पर उनकी फेसबुक वॉल पर जो उनके ख़िलाफ़ मवाद मौजूद था उसके बाद। तो इस वक्त एज इफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो समाअत जारी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अपीलों पर समाअत की है, इसलिए ये समाअत करनी पड़ रही है उनको क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे रखा था कि आज ये समाअत करके फैसला किया जाए। आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई डिसीजन करती है, अगर तो हक में आता है इमरान खान साहब के तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर कल ये केस सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो सकता है, उसकी राह हमवार हो जाएगी और कल के लिए फिक्स भी है। कल की जो समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में उसका आज हुक्मनामा भी थोड़ी देर पहले आ गया है, उसमें उन्होंने कह दिया है कि कल इस केस की समाअत होगी। तो बड़ा ज़रूरी था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले एक बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे दे। तो इस वक्त समाअत जारी है। जैसे ही ये समाअत शुरू हुई है तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा है ख्वाजा हारिस से, जो इमरान खान के वकील हैं, कि जी ख्वाजा साहब अब तो ये केस तीन तीन फोरम्स पर चल रहा है, उनकी मुराद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट है। तो जो ख्वाजा हारिस हैं वो चेयरमैन पीटीआई के दिफा में जो गवाहों की फहरिस्त है उसका जिक्र करते हैं स्टार्ट में कि हमने गवाहों की फहरिस्त कल दी थी ट्रायल कोर्ट में, लेकिन हमें एक दिन की मोहलत भी नहीं दी गई हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से इन गवाहों को पेश करने के लिए, और हमने ये कहा कि हमें सिर्फ एक दिन का वक्त दें क्योंकि ये गवाह दस्तयाब नहीं है और हमें इस हक से महरूम कर दिया गया और कहा गया कि हतमी दलाइल दें वरना फैसला सुना दिया जाएगा। ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि हुमायूं दिलावर साहब को ये मालूम है कि केस सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और टाइमिंग भी सेम है कि हाई कोर्ट में भी 11 बजे केस की समाअत हो रही है और उधर उन्होंने भी बुला रखा है कि 11 बजे आके दलाइल दें वरना मैं फैसला कर दूंगा। तो ये जो चीज़ें हैं इस पर उन्होंने कहा कि हमें एतराज़ है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर आज हतमी दलाइल ना दिए तो फैसला क्यों महफूज हो जाएगा।
कि जज साहब को इतनी जल्दी आखिर किस चीज़ की है। ये चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कह रहे हैं। फिर उन्हें ये भी कहा कि इस सारे मामले से जो जज हमायूं दिलावर हैं उनका तासुब ज़ाहिर होता है। ख्वाजा हारिस ने ये भी कहा कि हमें इल्म है कि इस हवाले से जो हमारी दरख्वास्त है कि उनकी फ़ेसबुक की कुछ पोस्ट वगैरह हैं, तो एफआईए ने एक रिपोर्ट कल जमा करा दी है आपको, लेकिन हम इस यकतरफा रिपोर्ट को कबूल नहीं करते। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि जहां तक तासुब की बात है, एक रिपोर्ट अभी मेरे सामने आई है, उसका मैंने जायज़ा लिया है। एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो आपके जज्बात हैं वो आपके दलाइल पर हावी ना हों। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फ़ेसबुक पोस्ट का जहाँ तक मामला है, उस पर यकतरफा रिपोर्ट आई है और हम उसे कबूल ना करने का फ़ैसला करते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि एफआईए की रिपोर्ट में ऐसा कुछ है भी नहीं जिसे हम कबूल करें, क्योंकि हम तो पहले ही कह चुके हैं कि जज साहब वो पोस्ट डिलीट कर चुके हैं। अब देखना यह है कि एफआईए ने ट्रैश बिन में जाकर डिलीट की गई पोस्ट को रिकवर करने की कोशिश की है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी एक दरख्वास्त जो हमारे पास है वो ये है कि ट्रायल कोर्ट के जज तासुब का रवैया आपके साथ रखते हैं। आप ये कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है, तो क्या रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत से जज का तासुब ज़ाहिर होता है, चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो जज साहब के मेरे मुतालिक और हमारे साथी वकला के हवाले से रिमार्क्स हैं वो बहुत अजीब हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब अगर ये सब जजेस से मुतालिक कहा जाएगा तो फिर जजेस भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही ना। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो ट्रायल हो रहे हैं उससे आपको कोई इख्तलाफ है या उससे आपको लगता है कि तासुब है, तो वो कह रहे हैं कि मेरी तो अपनी ये ख्वाहिश है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल होना चाहिए। कहते हैं कि हमारे अदालती निज़ाम में कुछ खामियाँ ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती ये ख्वाहिश है कि अगर रूल्स बने तो ट्रायल जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाए, लेकिन मुलज़म को फेयर ट्रायल का हक ज़रूर मिलना चाहिए। ये कह रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब। तो ये डिस्कशन इस वक्त जारी है और जो ताज़ा तरीन अभी के रिमार्क सामने आए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने चीफ जस्टिस से इस्तफसार करते हुए कहा कि हमारी दूसरी जो दरख्वास्त है वो दायरा इख्तियार से मुतालिक है कि क्या ये केस ये मौजूदा ट्रायल कोर्ट सुनने की मजाज है भी या नहीं। अभी तो इस मामले पर फैसला नहीं हुआ, यानी जिस कि कोर्ट के दायरा इख्तियार का ये अभी तक पता नहीं है कि वो केस सुन भी सकती है या नहीं, तो वो फैसले तक कैसे पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि हमने बताया है कि ये मामला कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने हमारे केस काबिले समाअत करार देने के खिलाफ अपील को मंजूर भी किया, लेकिन इसके ऊपर अभी फैसला नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने अगर केस रिमांड बैक किया था तो किसी और जज को भेजा जाना चाहिए था, इन्हीं जज को क्यों भेजा गया। अदालत ने कहा कि आप कह रहे हैं कि किसी दूसरे जज को आपकी दरख्वास्त दोबारा सुनकर फैसला करना चाहिए, तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुझे केस को खाली एक दिन के वक्फे से लगाने के लिए या ये दरख्वास्त करनी पड़ती है कि एक दिन का वक्फा दे दें या दो दिन का वक्फा दे दें, तो मुझे उसके ऊपर इतना ज़ोर लगाना पड़ता है। यहाँ तो बिल्कुल ही केस पूरे का पूरा दूसरी अदालत तक ले जाने के हवाले से है। तो केस की समाअत अभी भी जारी है, फर्दर जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल समाअत हुई थी इसी केस के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले आप हाई कोर्ट जाएँ, उसी समाअत के बाद ही आज हाई कोर्ट में आए हुए हैं और कल दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो कल जो समाअत हुई थी उसका तहरीरी हुक्मनामा अब से कुछ देर पहले जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और उसमें ये तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि केस के मेरिट्स पर दलाइल अभी नहीं दिए गए, आज की समाअत को मुकम्मल ना समझा जाए। इसका मतलब ये है कि ये पीटीआई के लिए एक अच्छा साइन है कि डिस्पोज ऑफ नहीं की गई या डिसमिस नहीं की गई। वो ये कह रहे हैं कि अभी ना दलाइल मुकम्मल हुए हैं ना समाअत मुकम्मल हुई है, ये केस जारी रहेगा। और फिर उन्होंने कहा है कि मौसम गर्मा की तातीलात के मुताबिक मुमकिन है कि ये बेंच दस्तयाब ना हो, आइंदा समाअत पर किसी और बेंच के सामने भी ये केस मुकर्रर किया जा सकता है। केस की आइंदा समाअत 4 अगस्त यानी कल होने जा रही है। तो आज हाई कोर्ट से क्या डिसीजन आएगा कुछ देर में आप सब लोगों को पता चल जाएगा। तो हाई कोर्ट से जो डिसीजन आएगा उसका बराह रास्त फ़र्क पड़ेगा इस केस के ऊपर और ट्रायल कोर्ट के ऊपर। तो 8 अपीलें हैं इमरान खान की इस केस को लेकर, क्या 8 में से एक अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मंजूर नहीं करेगी, 8 की 8 अपीलें रिजेक्ट कर देगी, ये भी देखना होगा। प्लस एक नवी दरख्वास्त तो आज जमा करा दिया कि कल जो हमें हक नहीं दिया गया गवाहों को पेश करने का वो भी चैलेंज कर दिया गया है।
तो उस मामले में भी अगर हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त मंजूर की और गवाहों को पेश करने का मौका दिया तो एटलीस्ट एक दिन का मौका और मिल जाएगा चेयरमैन पीटीआई को, और फिर मामला कल सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो सकता है। तो बहुत सारी कानूनी पेचीदगियों से होता हुआ ये केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। एक सर्टन ग्रुप को, एक सर्टन लाइक माइंडेड लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है कि बस किसी तरह से जज साहब सजा सुनाएं और कलम की वो जो नोक है वो तोड़ के परे करें और इमरान खान साहब को जेल भेजने के इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ। और दूसरी तरफ जारी बात है, हुकूमत के लोग भी इस केस के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। चंद दिनों की मेहमान हुकूमत चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस केस का फैसला हो, और दूसरी तरफ एक सर्टन माइंडसेट है जो चाहता है कि इतनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ना ले जाया जाए उस मामले को, जिसमें इतनी जान भी नहीं है, जो कि इस हद तक भी नहीं है कि जनाब किसी को नाहल करके सजा दे के जेल में डाला जाए, तो सेंस कहीं ना कहीं प्रिवेल करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन है, फर्दर अपडेट नेक्स्ट व्लॉग में कर दूंगा। अभी मैं खुद कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए जा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।